अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत के साथ रहें। तो आज हम बनाएंगे बिरयानी मसाला होममेड। बहुत ही आसान सा तरीका है बिरयानी मसाला बनाने का। वो तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। अपने बच्चों और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखते हुए ये होममेड मसाला आप अपने घर पर बनाएं। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तैयार करें, सब्ज़ इलायची ली है 10 से 12 हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं 6 से 7 एक एक इंच के, जायफल और जावित्री है 4-4 पीस, आलू बुखारे के हैं 20 पीस, दाने जिसको बोलते हैं तेज़पात है 6 से 7 पात, बड़ी इलायची है 10 से 12, बादियान के फूल हैं 10, सौंफ है 1 टेबलस्पून, लौंग है 1 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1.5 टेबलस्पून, हल्दी लेंगे 2 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें या पापरिका मिर्चें लें कलर के लिए 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून लेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून ही लेंगे काली मिर्चें साबुत, 4 टेबलस्पून लेंगे ज़ीरा, 3 टेबलस्पून लेंगे सूखा धनिया। तो इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ी सी इलायची और थोड़े से लौंग और बड़ी इलायची को हम एक साइड पे कर देंगे और आलू बुखारे को, बाकी तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल के तो हम इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। नमक और मिर्चें भी इसके अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ मसाले ही डाल के तो हम इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ज़ीरा मैंने एक ही लिया है और मैं एक ही इस्तेमाल करती हूँ। कभी मैंने ये नहीं कि काला, ब्लैक और वाइट, ये एक ही बस ज़ीरा है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वाइट वाला वही, और इसी से मैं मसाले अपने घर पर तैयार करती हूँ ऐसे ही। तो ये देखें 1 मिनट के लिए हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम जायफल और जावित्री को करेंगे ग्रैंड पीस लेंगे, क्योंकि ये सख्त होती हैं तो पहले हम इनको पीसेंगे और तो फिर इसी के अंदर ही हम दूसरा मसाला डाल के तो उसको भी पीस लेंगे। ये हमने पीस ली हैं जायफल और जावित्री, और इसी के अंदर अब हमने इसके अंदर डाला है दूसरा मसाला, इसको भी पीस लेंगे। मसाले को हमने हल्की आंच पे उसको रोस्ट किया था, तेज़ पे नहीं किया था, वो फिर जल जाता है। तो ये देखें सारे हमने इसको पीस लिया है, अब इसको निकालेंगे बाउल के अंदर। सुरख मिर्च डाल देंगे कलर वाली, दूसरी नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ये आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं मसाला। सुरख मिर्च डालेंगे और अब डालेंगे इसके अंदर आलू बुखारा सूखा और 4 से 5 है सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और 4 से 5 है सब्ज़ इलायची और थोड़े से लौंग हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देखें तैयार हो गया है हमारा होममेड मसाला बिरयानी मसाला। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही आसान सा तरीका है इसको घर पर बनाने का। और इसका कलर देखेंगे कि ये कितना प्यारा है। जो लोग कहते हैं कि हम बिरयानी मसाला खाएं डालें तो हमारे सांस को कुछ होता है या गले को, तो वो ये वाला इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं डाला जिससे गला ख़राब हो। ये वही मसाले हैं जिससे जो हम गरम मसाले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कोई इसके अंदर हमने फूड कलर नहीं डाला, कोई कुछ भी नहीं डाला। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे ना तो आप लोगों का गला ख़राब होगा ना ही सांस को तकलीफ़ होगी। तो क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो हमने डाला हो, तो आप ज़रूर इस मसाले को बनाएं और ट्राई करें। और 7 माह के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकती हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, वही चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं, जिस बोतल में डाल के तो रख लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी उतना ही मसाला इस्तेमाल कर लिया करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है बिरयानी मसाले का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले, ये बिल्कुल फ्री है। और मुझे रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार। दुआओं में याद रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।